Hello everybody, in this video we're going to learn the word processing. That is session number 1, managing list, sort, renumber and customize a list. At the end of the session we'll be able to understand how sort a list, how to renumbering a list, how we can switch between bullet to number, how to create multiple level list, how to creating your own list style. With this topic, let's start our video. हम लोगों को अभी सबसे पहले जानना है कि sort होता है क्या. Sort का मतलब है कोई भी चीज़ को arranging the existing list in a particular order. कोई भी चीज़ को पार्टिकुलर ऑर्डर में हम लोग को अरेंज करने हुए, जैसे कि अल्फ़ाबेटिक हो या वैल्यू वाइज हो, उसके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को सीरियली अरेंज करने को हम लोग को शॉर्ट बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पर अभी एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे. अभी सबसे पहले इसको क्लोज कर लेते हैं हम लोग. अभी सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट में क्लिक करना है, फिर ऑल प्रोग्राम. उसके बाद देखो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक करना है. फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, यहाँ पर क्लिक करने से न्यू डॉक्यूमेंट, वर्ड का न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा. ठीक है, अभी मान लो कि एक एग्जांपल के साथ हम लोग दिखाएंगे. जैसे कि हम लोग क्लास 11 में किसी भी स्टूडेंट का हम लोग को नाम चाहिए. जैसे कि किसी भी स्टूडेंट का हम लोग एक फिर से एक ले लेता है यहाँ पर रेंडम वाइज. जैसे कि यहाँ पर राम, श्याम, अजय, करण, ठीक है, रेखा, रानी, विशाल, अंकुर. इस तरह से मैं किसी भी रैंडम वाइज क्लास स्टूडेंट का, क्लास 11 का मान लो कि ये लिख लिया हम. ठीक है, लिखने के बाद मान लो कि ये चीज़ हम लोग को शॉर्ट करना है, मतलब असेंडिंग वाइज हम लोग को शॉर्ट करना है. जैसे कि यहाँ पर देखो ए नंबर जो है, जो अंकुर है, एकदम लास्ट में आ गया ना. हम लोग अजय और अंकुर एकदम पहले आना है, मतलब ए टू जेड ऑर्डर करना है. ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो शॉर्ट का सिंबल है यहाँ पर. तो ये शॉर्ट में यहाँ पर जब भी हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी बनाना है हम लोग को यहाँ पर आ जाएगा. मान लो कि यहाँ पर ए से स्टार्ट करके जेड तक लाना है, तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे, तो फिर यहाँ पर देखो अजय जो है एकदम फास्ट में आ गया. उसके बाद ए बी सी डी ऑर्डर में यहाँ पर आ गया. ठीक है, अजय, तो उसके बाद एस जो है लास्ट में आता है, तो इसलिए एस लास्ट में आ गया. इस तरह से कोई भी चीज़ का हम लोग शॉर्ट कर सकता है. मान लो अभी और एक चीज़ है हम लोग अभी सीखने वालों, जो कि नंबरिंग लिस्ट. देखो ये चीज़ हम लोग एक बना लिया जो कि शॉर्ट के ऑर्डर है. मान लो कि और कोई भी स्टूडेंट है यहाँ पर, देखे मान लो यहाँ पर एक क्या करता हूँ मैं, ये चीज़ काट के हम लोग यहाँ पर ये था हम लोग का क्लास 12. मान लो देखो यहाँ पर मैं क्लास 12 का स्टूडेंट है ये, और मान लो कि ये चीज़ जो है ये क्लास 11 का स्टूडेंट है. मान लो हम लोग मान लिया कि ये क्लास 10 का है, क्लास 11 का है और क्लास 12 का स्टूडेंट है. ठीक है, अभी देखो ये जो क्लास 12 का स्टूडेंट है एक से चार तक है, जो कि ठीक है, मतलब एक से स्टार्ट हुआ चार तक ख़त्म हो गया. मतलब ये जो अलग है ना, अभी जैसे क्लास 11 में है जो कि 5 से स्टार्ट, वो तो एक में से स्टार्ट करना है अभी. तो हम लोग को किस तरह से ये नंबरिंग करें, देखो यहाँ पर एक से शुरू हो जाओ. यहाँ पर क्लिक करने का बाद जो भी पॉइंट हम लोग को एक से स्टार्ट करना है, मतलब ये नया है तो नया पैराग्राफ है, तो ये नया पॉइंट में है तो नया नंबरिंग में, यहाँ पर सिलेक्ट करने का बाद यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम, रीस्टार्ट फ्रॉम वन, तो यहाँ पर सिलेक्ट करने से ये अपने आप एक से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तुम लोग का मर्ज़ी है तुम लोग की कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं. मान लो कि ये पाँच से, फिर से पाँच से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर देखो सेट द वैल्यू, सेट वैल्यू यहाँ पर जाके जो भी चीज़ हम लोग को जहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे कि चार पाँच में से स्टार्ट करना है, तो पाँच में से यहाँ पर फिर से आ जाएगा. तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नंबर को भी री नंबरिंग कर सकते हैं. ठीक है, और एक चीज़ हम लोग को अभी देखो और एक टॉपिक है, स्विच बिटवीन बुलेट टू नंबर. बुलेट टू नंबर में किस तरह से हम लोग, मान लो कि ये नंबरिंग में है, अभी बुलेट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करने से हम लोग को पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा. फिर यहाँ पर देखो यहाँ बुलेट है, बुलेट में जो भी चीज़ आएगा हम लोग को यहाँ पर से क्लिक करके उसको बुलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब बुलेट बनाने
बनाने के लिए फिर से कोई भी एक्सिस नंबरिंग में होना पड़ेगा या नंबर या बुलेट से नंबरिंग ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग को एक बुलेट होना पड़ेगा, मतलब कोई एग्जिस्टिंग हम लोग का बुलेट या नंबर होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी बुलेट में से हम लोग को फिर से नंबरिंग कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर जाके कोई भी ऑर्डर में हम लोग को बना सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग का बुलेट टू नंबरिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये बहुत ईजी है तुम लोग के लिए। ठीक है, फिर से और एक देखता हूँ, मल्टीपल लेवल लिस्ट। मल्टीपल लेवल लिस्ट क्या होता है, मतलब कोई भी एक्सिस जैसे कि हायरार्की वाइज हम लोग को बनाना है। जैसे कि तुम लोग को एक बुक में दिया हुआ है, दिखाता हूँ मैं, रुको। देखो तुम लोग को बुक में जो है यहाँ पर हायरार्की वाइज कोई भी चीज़ दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर दो तरह के होता है, एक तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि एक सिंबल सेम चीज़ में सिंबल दिया है। देखिए ये सिंबल और ये सिंबल एक है, सेम है। फिर उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो सब पार्ट है, जो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर देखो पैकेज है और यूटिलिटी है। ठीक है, ये जो सिंबल है एकदम सेम है। और उसके बाद जो सब टाइटल है, यहाँ पर देखो सब पॉइंट है, तो यहाँ पर ये जो सिंबल दिया है ये लोग अलग अलग दिया है, मतलब ये सब पॉइंट है। इस तरह से कोई भी चीज़ हम लोग को मल्टीपल लेवल लिस्ट में बनाना है, तो हम लोग देखो अभी किस तरह से बनाते हैं इसको। अभी इसको हम लोग को बनाने से देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लूँ तुमको दिखने में अच्छा हो, तो फिर मैं इसको, ठीक है, तुम लोग थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ इसको, तुम लोग दिखाई देने में अच्छा हो। ठीक हो, हम लोग ये चीज़ हम लोग प्रैक्टिकल से तो बनाने वाला है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा इसको हटा लेता हूँ। देखो नीचे हम लोग ये बनाना है, अभी देखो ये फटाफट एडजस्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हायरार्की वाइज मल्टीपल लेवल लिस्ट बनाएंगे, ये देख देख के। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग को जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सिमिलर सिंबल में दिया हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि है सिंबल, देखो इसका सिंबल सेम है, तो यह सिंबल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर का पार्ट है, तो यहाँ पर फिर से मैं एक अलग सा पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा एंटर मार के यहाँ पर लिख लेता है, यहाँ से एक अलग पॉइंट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, वो जो कि है सॉफ्टवेयर का पार्ट है। फिर सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर से हम लोग यहाँ पर स्क्रीन रिपोर्ट के साथ हम लोग दिखाते हैं, यहाँ पर देखो टैप मारते हुए ये जो सिंबल है हम लोग को लेना है। ठीक है, ये सिंबल कहाँ पर मिलता है, ये बुलेट बटन में मिलता है। ये देखो इसका सिंबल और इसका सिंबल सेम हो गया। अभी उसके बाद हम लोग लिखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद ये टैब मार के ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना है। अभी देखो टैब किस तरह से मारते हैं, यहाँ पर टैब है तो स्क्रीन कीबोर्ड में टैब होगा, तो यहाँ पर देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिंबल है हम लोग यहाँ से लेंगे। देखो अगर मान लो कि ये सिंबल यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट में जाके हम लोग को ले सकते हैं, यहाँ पर जो भी सिंबल है हम लोग को चाहिए होता है तो यहाँ से बना के ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सिंबल है, तुम लोग को लेने में यहाँ से मिल ही जाएगा, कोई भी सिंबल चाहिए तो यहाँ से मिल ही जाएगा। मिलने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करो, फिर ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ओके प्रेस करो तो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को फिलहाल यहाँ पर ही मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोग ले लेता है। ठीक है, लेने के बाद देखो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लिख लिया। उसका बाद देखो यहाँ पर डॉस है, जो अब फिर से हम लोग को टैप प्रेस करना है। ठीक है, टैप प्रेस करने के बाद फिर से हम लोग को डॉस लेना है। डॉस में जो सिंबल है यहाँ पर देखो, सिंबल ए वाला सिंबल लिया है हम लोग, यहाँ से सिंबल ले लेता है। ठीक है, यहाँ पर देखो डॉस विंडोज एक्सपी था ना, यहाँ पर Windows XP, Windows Vista। फिर एंटर प्रेस करने के बाद हम लोग को पीछे जाना है। अभी देखो कंपाइलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए हम लोग को एक शॉर्टकट है यहाँ पर Shift+Tab करने से ये पीछे जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कंपाइलर असेंबलर फिर इंटरप्रेटर।
फिर देखो फिर से हम लोग को पीछे जाना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या किया, अब फिर से एंटर प्रेस करने के बाद शिफ्ट टैप मारेंगे, शिफ्ट टैप तो पीछे चला गया। ये जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेम है, तो इससे सिंबल हम लोग बनाने के लिए आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसका बाद देखो यहाँ पर फिर से हम लोग को आगे जाना है, तो इसलिए हम लोग क्या करना है, टैप प्रेस करना है, ठीक है, शिफ्ट टैप नहीं है, सिर्फ टैप। टैप प्रेस करने के साथ फिर के पैकेज लेना है, पैकेज उसका बाद फिर से आगे जाना है, फिर से हम लोग को टैप प्रेस करना है। टैप अभी देखो अगर मान लो पहले एक बार हम लोग ये सिंबल एक बार ले लिया ऊपर में, तो बाद में ये सिंबल लेना नहीं पड़ता है, ये एक इसका फ़ायदा है, ठीक है, मल्टीपल लेवल इसमें। तो यहाँ पर DBMS अभी तुम लोग को आई थिंक सबको समझ में आएगा कि इस तरह से मल्टीपल लेवल बनाते हैं। इस तरह से हम लोग कोई भी चीज हम लोग बना सकते हैं। मान लो कि इसका शॉर्टकट है कि कोई भी चीज़ हम लोग को सब टाइटल में जाना है, मतलब आगे जाना है, तो हम लोग को टैप प्रेस करेंगे, और पीछे जाना है मान लो कि यहाँ पर है, हम लोग को यहाँ पर आना है, तो हम लोग शिफ्ट टैप करके उसको मल्टीपल लेवल लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। ये था हम लोग का मल्टीपल लेवल लिस्ट। अभी एक चीज़ हम लोग देखने मतलब ये हाउ टू क्रिएट योर ओन लिस्ट स्टाइल। अभी देखो यहाँ पर किस तरह से अपना स्टाइल बनाता है, ठीक है। अभी इसको नीचे कर देता हूँ, मैं पूरा का पूरा नीचे कर देता हूँ, नया पेज में जाता हूँ, ठीक है। अपनी नया चीज़ स्टाइल में बनाना है, तो मान लो कि हम लोग को जो भी स्टाइल चाहिए, अभी जो भी स्टाइल चाहिए यहाँ पर से हम लोग लिस्ट से बना सकते हैं। देखो यहाँ पर कस्टम मल्टीपल लेवल लिस्ट में जो है यहाँ पर जाके क्रिएट योर ओन स्टाइल, ठीक है, डिफाइन न्यू स्टाइल यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी स्टाइल नाम है यहाँ पर दे सकता है तुम लोग को, मान लो कि स्टाइल टू हम लोग को चाहिए, जो भी तुम्हारा नाम है, ठीक है, ABC यहाँ पर स्टाइल वन, ठीक है, यहाँ पर नाम दे सकता है, नहीं डालने से होगा। यहाँ पर देखो जो भी पॉइंट वन में है हम लोग को, जो वन है, तो फिर कौन सा चाहिए हम लोग को, मान लो कि यहाँ से हम लोग को सिम्बोलिकल चाहिए, ठीक है, यहाँ पर देखो बुलेट, न्यू बुलेट जो भी चाहिए, मान लो कि हम लोग को कौन सा चाहिए, जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट चाहिए हम लोग को फर्स्ट पॉइंट में, यहाँ पर ले लिया, सेकंड लेवल वन, लेवल टू में कौन चाहिए हम लोग का, लेवल वन में ये हो गया, लेवल टू में हम लोग का जैसे कि मान लो यहाँ पर टेलीफोन नंबर बुलेट से ये लेना है, ठीक है, टेलीफोन नंबर ले लिया। अभी लेवल थ्री में हम लोग को कौन सा चाहिए, लेवल थ्री में जैसे कि रोमन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, तो रोमन नंबर ले लेता है, ठीक है। लेवल फोर में क्या चाहिए हम लोग को, अभी मान लो कि लेवल फोर में ABC चाहिए, तो इस तरह से हम लोग को मल्टीपल लेवल लिस्ट बना सकते हैं अपना ऑर्डर। उसके बाद जब भी हम लोग ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो कोई भी लिखेंगे, लिखने के बाद एंटर प्रेस करने के बाद हम लोग टैप प्रेस करेंगे, तो वो चीज़ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर टैप प्रेस करते हैं जो भी चीज़ हम लोग लिखा, ठीक है, अभी ए ऑर्डर में आ जाएगा। तो ये देखो हम लोग जो भी चीज़ यहाँ पर बनाया था यहाँ पर देखो वो चीज़ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और एक चीज़ तुम लोग को ध्यान देना है, मान लो कि यहाँ पर लेवल लिस्ट ख़त्म हो गया, तो हम लोग जब भी एंटर प्रेस करेंगे तो वो सिमिलर चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर एंटर और फिर से आएंगे तो पीछे चला जाएगा, ये शिफ्ट टैप करने से भी आ जाता है या डायरेक्ट एंटर प्रेस करने से भी आ जाता है। अभी जब भी और एक बार प्रेस करेंगे तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग कोई भी चीज़ ब्रेक कर सकते हैं। ये आई थिंक सबको समझ में आ गया ये चीज़, और किसी का डाउट है तो मुझे क्वेश्चन करके बोल सकते हैं क्लास में, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग वहाँ से डाउनलोड करके तुम लोग याद कर लेना, ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही था, तो फिर अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर स्टे ट्यून्ड।